नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तृतीय चरण के लिए कटिहार में 7 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन के लिए पूर्णता तैयार है और कल यानी दिनांक 7 नवंबर को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान की अवधि निर्धारित है। कल यानी दिनांक 5 नवंबर 2020 से सभी प्रकार के जो चुनाव के प्रचार प्रसार हैं वो शाम को 6 बजे से अधिकृत रूप से बंद करा दिए गए हैं। इस जिले में 7 विधानसभा में कुल 2891 मतदान केंद्र हैं और जिनमें 20,43,000 मतदाता निबंधित हैं। कुल 10,49,000 पुरुष मतदाता और कुल 9,93,000 महिला मतदाता कल निर्वाचन के लिए पूरी तरह तैयार है। थर्ड जेंडर के 120 मतदाता हैं जिनका निबंधन कराया गया है और प्रथम बार मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या 47,401 इस बार है। जैसा कि आप अवगत हैं, इस बार 4 मतदान केंद्र वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें एक नगर निगम कटिहार, दूसरा ब्लॉक कार्यालय कटिहार, तीसरा सूर तुलसी इंटर कॉलेज कटिहार और चौथा घासी टोला मध्य विद्यालय मनसाही को चिन्हित किया गया, जहां से लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन हम लोग करते रहे हैं और कल भी इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। कुल 12,772 पोलिंग पर्सनल यानी कि मतदान कर्मी इस निर्वाचन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। 2891 पोलिंग स्टेशन पर 2891 कतार प्रबंधक लगाए गए हैं, जिसमें होमगार्ड्स के अलावा वॉलंटियर्स की सेवा भी ली जा रही है। 945 पीसीसीपी यानी गश्ती दल दंडाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 234 माइक्रो प्रेक्षक, 261 सेक्टर दंडाधिकारी, 21 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 27 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 16 जोनल और 16 सुपर जोनल दंडाधिकारी इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। 29 बॉर्डर सीलिंग पॉइंट पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और 4 बोट पेट्रोलिंग हेतु भी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष निर्वाचन कराने के साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि कोविड से सुरक्षित निर्वाचन हम लोग संपन्न कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में विस्तृत दिशा निर्देश के अनुपालन के क्रम में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कार्मिकों और सुरक्षा बलों को हैंड ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं और आवश्यकता अनुसार पीपी किट्स भी उपलब्ध कराई जा रही है। संबद्ध मतदान केंद्रों में जो भी निर्वाचक, जो भी मतदाता वोट करने आते हैं उनको सिंगल हैंड ग्लव देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सभी पोलिंग पार्टी और सुरक्षा कर्मियों के लिए कुल 1,00,000 से अधिक मास्क, 70,000 ग्लव्स, फेस शील्ड 26,000, सैनिटाइजर की बॉटल्स 26,000 100 ml की उपलब्ध कराई गई हैं और इसके अलावा 20,00,000 सिंगल हैंड ग्लव सभी मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आप सभी अवगत हैं कि बाजार समिति 3 गजिया के प्रांगण में स्ट्रांग रूम से डिस्पैच ईवीएम का आज हुआ है और मतदान समाप्ति के पश्चात पुनः वजगृह में ईवीएम सभी सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था कर ली गई। धारा 144 के तहत 5 तारीख को शाम 6 बजे के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अंतिम 48 घंटे की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस धारा 144 को निर्गत किया गया है। मतदान दिवस के दिन वाहन का दुरुपयोग ना हो, इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में धारा 144 में प्रावधान किया गया है। अनुमति प्राप्त वाहन के अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पूर्ण छूट होगी और किसी भी प्रकार के शिकायत और सुझाव के लिए पूर्व में प्रसारित विधानसभा वाइज दूरभाष संख्या पर शिकायत की जा सकती है और इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग का जिला स्तर पर जिला कंट्रोल रूम 24 घंटा संचालित है, जिसका नंबर 1950 है, इस पर भी शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री दूरभाष संख्या ये पूर्व से प्रचार है। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग इस बड़ी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में एक हम लोगों का सपोर्ट करें और आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो और जो भी मानक निर्धारित है हम सभी के लिए उसका हम लोग पूर्णतः पालन करें और मैं आश्वस्त हूं और पूरी तरह आशा भी करता हूं कि हम सभी
सफलतापूर्वक इस मतदान प्रक्रिया को संपादित करा सकते। सर वाहन वगैरह जो आम लोग चलाना चाहेंगे तो उसको रोक है उस पर, और बाजार वगैरह बंद रहेगी? देखिए, मैंने स्पष्ट किया कि अनुमति प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं के वाहन अलाउड होंगे, और अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन से उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत भी है और आना चाहते हैं तो 200 मीटर के अंदर वाहन किसी भी तरह से अलाउड नहीं होगा। पुलिस मतदान केंद्र के बिल्कुल, मैं SP साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी तरफ से आपको संबोधित करें।